तो भाई देख सकते हैं मेरे क्लाइंट है जिन्होंने मेरे को भेजा है कि भाई रेडमी 12 5G है जो कि सिस्टम डिस्ट्रॉयर लिख कर आ रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। और गाइज मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ भाई सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉय क्यों आता है। ज़्यादातर क्या होता है गाइज कि हमारे जो कस्टमर होते हैं फ़ोन को अपडेट करते हैं तो फ़ोन अचानक बीच में बंद हो जाता है, तब ये सिस्टम डिस्ट्रॉय की प्रॉब्लम आती है। ज़्यादातर कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कोई फ़ोन आता है और हम लोग उसका MI अकाउंट करते हैं तो भी ये सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉय की प्रॉब्लम आ जाती है। कभी कभी सॉफ्टवेयर इसका करप्ट हो जाता है तभी भी ये सिस्टम डिस्ट्रॉय लिख कर आने लगता है। तो इसके काफ़ी सारे रीज़न है, MI पोको के फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है। तो गाइज इसका एक ही सोल्यूशन है, इस फ़ोन को हम लोग को फ्लैश करना पड़ता है। अब ये Redmi 12 5G है, इसका किसी भी टूल में सपोर्ट नहीं है तो इसका हम लोग अर्थ फ्लैशिंग करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया है तो मैं इनका टीम व्यूअर के जरिए फ्लैशिंग कर दूंगा तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए गाइज बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ मोबाइल। बढ़ते हैं वीडियो के तरफ। तो भाई देख सकते हैं मेरे क्लाइंट है जिन्होंने बोला है कि भाई Redmi 12 5G है जो कि सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉय लिख के आ रहा है। तो मैंने बोला है कि भाई हो जाएगा, आप टीम वर्ड सेंड कीजिए। साथ ही साथ इनको मैंने टेस्टेड फ्लैश फाइल का लिंक दे दिया। भाई इसके लिए एक टेस्टेड फ्लैश फाइल चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप वन क्लिक करके इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इन्होंने इस फाइल को डाउनलोड कर दिया और मेरे को टीम वर्ड सेंड कर दिया। गाइज इस फ़ोन का फ्लैशिंग अभी किसी भी ऑफलाइन टूल में सपोर्ट नहीं है तो इसको आप लोग को ऑनलाइन ही फ्लैशिंग करवानी पड़ेगी। तो ऑनलाइन फ्लैशिंग करवाने के लिए मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैं आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व कर दूंगा। तो भाई अब इनके PC पे कनेक्ट हो जाते हैं और इनका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो देख सकते हैं गाइज मैं इनके PC पे कनेक्ट हो गया हूँ और इन्होंने यहाँ से फ्लैश फाइल को डाउनलोड कर लिया, साथ ही साथ एक्सट्रैक्ट भी कर दिया है। अब इसके लिए चाहिए एक अर्थ फ्लैश टूल, तो मैं उसको भी इनके PC में डाउनलोड कर देता हूँ। तो यहाँ से मैंने अर्थ फ्लैश टूल को डाउनलोड कर दिया। अब इस अर्थ फ्लैश टूल को मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद सिंपल सा मैं इस टूल को ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद जो इन्होंने फाइल को एक्सट्रैक्ट किया है सिंपल सा उसको मैं सिलेक्ट भी कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद गाइज अब फ्लैशिंग दो तरह से होती है। पहला तो या तो आपको फ़ोन को ideal मोड में कनेक्ट करना होगा। भाई फ़ोन को फ्लैश करने के लिए फ़ोन को ideal मोड में कनेक्ट करना पड़ता है, लेकिन कस्टमर का कहना है कि भाई फ़ोन अंडर वारंटी है तो मुझे फ़ोन को ओपन नहीं करवाना है, फ़ोन अगर USB से हो जाएगा तो कर दीजिए। तो भाई इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फ़ोन को फास्ट बूट में कनेक्ट करना पड़ेगा और मैं ऑफिशियल टूल के जरिए फ़ोन को फास्ट बूट से ideal कर दूंगा, जिसमें आपको फ़ोन को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको USB लगाकर काम हो जाएगा। तो मैं इनको बोल दिया हूँ भाई फ़ोन को फास्ट बूट में कनेक्ट करो और देख सकते हैं गाइस इन्होंने फ़ोन को फास्ट बूट में कनेक्ट कर दिया है। तो मैं यहाँ से USB रीडायरेक्टर के जरिए इनका जो फास्ट बूट का पोर्ट है वो अपने ऑफिशियल PC में शेयर कर लेता हूँ, वहाँ से ऑफिशियल टूल से फास्ट बूट से ideal कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रही है, इनका पोर्ट शेयर हो रहा है। तो अब इनका काम ये जो है कि यहाँ से जो फास्ट बूट से ideal है ये फिनिश हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो फास्ट बूट का पोर्ट है वो अब हट गया और यहाँ से क्वालकॉम का पोर्ट आ गया। मैं इस ड्राइवर को अपडेट कर लेता हूँ। अपडेट करने के बाद यहाँ से क्वालकॉम का ड्राइवर आ गया। अब क्या करना है गाइस, यहाँ पे सिंपल सा फ्लैश के ऊपर क्लिक कर देना है। फ्लैशिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से अर्थ की जनरेट होगा, उस की को कॉपी करके इसमें टोकन पेस्ट कर दूंगा तो फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ फ्लैश के ऊपर क्लिक किया यहाँ पे एक की जनरेट हुआ। सिंपल सा है, मैं इस की को कॉपी करके यहाँ से मैं टोकन पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे टोकन पेस्ट करता हूँ यहाँ पे लॉगिन अर्थ के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई। अब देख सकते हैं गाइस यहाँ पे फ्लैशिंग चल रही है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जैसे ही फ़ोन फ्लैश हो जाएगा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन की फ्लैशिंग डन हो गई है। अब मैं इनको बोल देता हूँ भाई फ़ोन को ऑन करके मुझे एक पिक दे दो ताकि मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। और देख सकते हैं गाइस जिन्होंने फ़ोन को पूरी तरीके से ऑन करके मुझे पिक दे दिया है। पहले सिस्टम हैज बीन डिस्ट्रॉय प्रॉब्लम आ रही थी, अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो इसका फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप वन क्लिक में डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको अगर आपको ऑनलाइन फ्लैशिंग करवाना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए गाइज आज के लिए बस इतना ही रहता है, फिर मिलते हैं आपसे किसी और एक अच्छे से इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत।